कौमी आवाज के नाजरीन खुश आमदीद। जो इज्जत अल्लाह ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के खुफिया इदारों को दी, अल्लाह का शुक्र है। जो गेम प्लान पाकिस्तान ने तरतीब दिया, वो इंतहाई जारहाना है। कैसे अब पाकिस्तान, चीन और रूस मिलकर अरब ममालिक को अमेरिका और इसराइल के चुंगल से निकालने लगे हैं। कैसे पाकिस्तान ट्रंप के ख्वाब चिकना चूर करने लगा है। चीन अब अमेरिका की ईंट से ईंट बजाने की मुकम्मल तैयारी कर चुका है। आज की वीडियो में इंतहाई अहम और ज़बरदस्त खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। चीन, पाकिस्तान और रूस का एक और मास्टर प्लान सामने आ गया। पाकिस्तान ने चुपके से वो काम कर दिखाया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। अमेरिका समझ रहा था कि वो अरब बादशाहों को ब्लैकमेल करके उनको अपने इतिहादियों में शामिल कर लेगा और उम्मत मुस्लिमा के ममालिक में फूट डाल देगा, लेकिन पाकिस्तान और उसके खुफिया इदारों की खुफिया हिकमत अमली ने अमेरिका और इसराइल के चारों तबक रोशन कर दिए। शाह महमूद कुरैशी के दौरे रूस में कौन से अहम मामलात पसे पर्दा फाइनल हुए, उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई खुशाइंद खबरें हैं। दोस्तों, सबसे अहम तरीन टर्न होने जा रहा है जो किसी ने सोचा भी ना था कि ऐसा भी हो सकता है। रूस अरब ममालिक में एक नई ताकत बनकर सामने आ रहा है और रूस इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के साथ मिलकर खित्ते में एक नया गेम प्लान कर चुके हैं। रूस अब अरब ममालिक में इसराइल और अमेरिका का प्लान फ्लॉप करने जा रहा है। मतलब रूस अरब ममालिक के लिए वो तमाम काम करने के लिए तैयार हो गया है जो इससे कबल अमेरिका अरब ममालिक के लिए किया करता था। इसमें ना सिर्फ अरब ममालिक बल्कि रूस का भी फ़ायदा है, क्योंकि खित्ते में अमेरिका और रूस एक दूसरे के बहुत बड़े हरीफ हैं और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए दुनिया में नित नई चालें और इतिहाद बनाते रहते हैं। अब दोस्तों, रूस पाकिस्तान के साथ मिलकर बड़ा गेम प्लान कर रहे हैं। रूस ने तो समझ लें ट्रंप की नींदें हराम कर दी हैं। चंद रोज़ कबल शाह महमूद कुरैशी का इंतहाई अहम दौरा रूस हुआ था, जिसमें वो शंघाई तआवुन तंजीम के वज़राए खारजा के इजलास में शिरकत के लिए गए थे। लेकिन दोस्तों, बैकडोर डिप्लोमेसी क्या होती है, इसके नतायज अब सामने आने शुरू हो चुके हैं। खबरें यहाँ तक सामने आनी शुरू हो गई हैं कि ग्रेटर इसराइल मंसूबे को फ्लॉप करने और अमेरिका को मशरिक़ वस्ता में ताकतवर होने से रोकने, आसान अल्फाज में अमेरिका को अरब ममालिक पर काबिज होने से रोकने के लिए रूस फ्रंट लाइन पर आ गया है। क्योंकि रूस जानता है कि अगर अमेरिका को यहाँ पर ना रोका गया तो आने वाले वक्त में अमेरिका बजाते खुद रूस के लिए मुश्किलात के पहाड़ खड़े कर सकता है। इसलिए अब एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पुतिन बहुत जल्द दौरा सऊदी अरब करने जा रहे हैं, जहां वो मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान से इंतहाई अहम मुलाकातें करने जा रहे हैं। अस्करी माहरीन के मुताबिक रूस सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक की हिफाजत के लिए उन्हें S-400 जैसे दुनिया के ख़तरनाक तरीन मिज़ाइल सिस्टम भी ऑफर करने जा रहा है, जिसके बाद यकीनी तौर पर सऊदी अरब के तहफ़ुज़ात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। मतलब रूस पाकिस्तान का मुकम्मल तौर पर प्लान ये है कि सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक अमरीकी पलड़े में से निकल कर चीन, पाकिस्तान और रूस के इतिहाद में शामिल हो जाएं, ताकि अमेरिकी सुपरमेसी को मुकम्मल तौर पर चैलेंज किया जा सके। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका इसराइल तमाम सूरत हाल को बड़ी बारीक बीनी से मॉनिटर कर रहे हैं। यहां आपको एक और चौंका देने वाली खबर भी देता चलूं कि यूएई के सिक्योरिटी एडवाइज़र बहुत जल्द ईरान का दौरा भी करने जा रहे हैं, जहां वो ईरान के साथ जंग बंदी और ईरान सऊदी अरब इतिहाद की भी बातचीत करेंगे, जिसके बाद यकीनी तौर पर खित्ते में मौजूद जंगी सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी और अमेरिका इसराइल के घनौने ख्वाब चिकना चूर हो जाएंगे। रूस दौरा कर रहा है सऊदी अरब का,
यूएई के सिक्योरिटी एडवाइज़र बहुत जल्द ईरान का दौरा कर रहे हैं। पूरी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों का एक नया इतिहाद एक दफ़ा फिर मंजरे आम पर आने वाला है। अब इस तमाम सूरत हाल में अमरीकी सदर ट्रंप क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अमरीका कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी सुपर मेसी को कोई भी दूसरा मुल्क चैलेंज करे। अभी तक सऊदी अरब ने बाकायदा तौर पर इसराइल को तस्लीम नहीं किया। इससे जाहिर होता है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ट्रंप इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान को मुख्तलिफ तरीक़ों से ब्लैकमेल कर चुके हैं, जिसमें वो जमाल खाशिकजी कत्ल केस में मोहम्मद बिन सलमान को कई एक दफ़ा धमका चुके हैं। अरब ममालिक जानते हैं कि अमरीकी इतिहाद में शामिल होना उनके लिए किसी भी ख़तरे से खाली नहीं, लेकिन पाकिस्तान, चीन और रूस का खुफिया प्लान अरब ममालिक के लिए ताज़ा हवा का एक झोंका है, जो यकीनी तौर पर अरब ममालिक के लिए आने वाले वक्त में इंतहाई मुफीद है। अब भी अगर अरब ममालिक पाकिस्तान, चीन और रूस के इतिहाद में शामिल ना हुए तो फिर इन अरब ममालिक को तबाही से कोई नहीं बचा सकेगा, क्योंकि जो ब्लॉक पाकिस्तान, चीन और रूस ने मिलकर बना लिया है वो दुनिया का ताकतवर ब्लॉक है, जिसके दीगर इतिहादी ममालिक में तुर्की और ईरान भी शामिल हैं। अगर इस पांच मुल्की इतिहाद में अरब ममालिक भी शामिल हो जाएं, तो यकीन करें दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर ब्लॉक पूरी दुनिया पर ही राज करेगा और मुकम्मल तौर पर इसराइल, अमेरिका और भारत की छुट्टी हो जाएगी। दोस्तों, दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी की शंघाई तआवुन तंजीम के रुकन ममालिक के वज़राए खारजा से गैर रस्मी मुलाकातें भी हुईं, जहां पाकिस्तान ने अमेरिका और इसराइल के बने बनाए मंसूबे को निस्तो नाबूद कर दिया। वज़ीरे खारजा शाह महमूद कुरैशी ने शंघाई तआवुन तंजीम इजलास की साइड लाइन्स पर रुकन ममालिक के वज़राए खारजा से गैर रस्मी मुलाकातें की। इलाकाई रवाबत में फ़रोग के लिए SCO की अहमियत पर तबादला ख्याल हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि रूस और चीन के वज़राए खारजा से दो तरफ़ा अमूर पर इंतहाई अहम बातचीत की गई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि शंघाई तआवुन तंजीम में भारत ने पाकिस्तान के नक्शे पर एतराज़ उठाया, जिसे तमाम मुल्कों ने मुस्तरद कर दिया। चुनाचा भारत को इस मौके पर भी नदामत उठाना पड़ी। मकबूजा कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा इलाका है। अक्वामे मुत्तहिदा की इस ज़मन में करारदादें मौजूद हैं। पाकिस्तान अब हर प्लेटफार्म पर अमेरिका और भारत को चीन के साथ मिलकर टफ टाइम दे रहा है। एक तरफ चीन और दूसरी तरफ अब रूस अमेरिकी इतिहाद को टक्कर देने के लिए मैदान में आ गए हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अब एक दूसरे के आमने सामने आने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हैं। इस वक्त अरब ममालिक को होश के नाखून लेने चाहिए, ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।